उत्सव बड़े धूमधाम से आप सबके सहयोग से बड़े अच्छे से संपन्न हो गया, क्या कहते? सबसे पहले तो मैं अपने भाई को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। बहुत सारे अवार्ड शोज होते थे बट वो फिल्मों के होते थे, फिल्मों के बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट स्क्रीन प्ले, वो फिल्मों से रिलेटेड होते थे। बट इन्होंने पहला म्यूज़िक अवार्ड शो कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पूरे पब्लिक की तरफ से बोल रहे हैं। और यहाँ पे आए, विक्की भाई ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था और सब कुछ बहुत स्मूथली और सही से हो गया है, बहुत अच्छे से। जी मैं तो भैया को भी और जितने भी लोग आए मतलब मुझे बहुत ही सपोर्ट किए, क्योंकि अभी तो मैं पहले बताया ही हूँ आपको कि एक रूम में एक लोग रहने वाले, चार चार पांच पांच लोग रहे तो सबसे बड़ा सपोर्ट। हमारे रूम में तो कम से कम, अच्छा हम लोग ज्यादा आराम नहीं किए, हमारे रूम में कम से कम चार गाड़ी आई है हमारे साथ बनारस से, चारों गाड़ी में कम से कम छह छह लोग तो होंगे ही, छह छह के 24 लोग हमारे रूम में है। बट सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और ये उन लोग सबके मन में ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये अपना है, और जहाँ अपने की बात होती है वहाँ पे कोई इशू कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो भी कदम इन्होंने उठाया, हमारे मार्स मीडिया ने उठाया, वो एक म्यूज़िक की दिशा में, म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो हमारे भोजपुरी के उसके दिशा में एक सराहनीय कदम है। हमारे नए टैलेंट्स को भी आने का मौका मिलेगा और हमारी जो क्वालिटी है वो दिन पे दिन, जैसे हमारे इंडस्ट्री के बाहर के लोग देखेंगे अगर तो उनको भी ये मतलब ये लगेगा कि हाँ यार भोजपुरी में भी एक अच्छा म्यूजिक अवार्ड शो होता है, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। गोरखपुर में होना और एक नई पहल होना कि म्यूजिक के एल्बम के गानों को अवार्ड देना, एक नई पहल नहीं। जी जी, गोरखपुर तो बाबा गोरखनाथ की नगरी है, या इसके बारे में तो जितना कहें उतना कम है। और मैंने पहले ही बोला कि अगर म्यूजिक के लिए पहले होते थे ये फिल्मों के लिए, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स उसके म्यूजिक के लिए अवार्ड्स होते थे, बट भोजपुरी एल्बम के लिए नहीं होता था, भोजपुरी म्यूजिक के लिए नहीं होता था। अभी मैं उदाहरणतः आपको बता दूं, जो अभी का गाना इतिहास बनाया है, मात्र 56 दिनों में 300 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। दो हफ्तों तक वो गाना हेलो कौन पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे था, तीन हफ्तों तक वो पूरे इंडिया का सबसे नंबर वन सॉन्ग था। इसमें मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके सपोर्ट से जितना भी हमारा सब कुछ काम मार्स मीडिया के तहत ही होता है, हमारे भाई विक्की जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये हिडन, ये पर्दे के पीछे रहने वाले इंसान है जो पर्दे के पीछे रह के अपना पूरा काम कर देते हैं, तो इनके लिए मैं खुद क्लैप करता हूँ आपके लिए ब्रदर।